खबर चित्रकूट से, जहां प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट विधानसभा से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के पहले मझगावा के मिचुकुरीन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र में लगभग 1,00,000 लोगों पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसको लेकर सभा स्थल पर तमाम तरह की तैयारी अंतिम रूप से पूरी हो चुकी है। खबर छतरपुर से है, जहां राजनगर विधानसभा के समाजवादी पार्टी नेता और विधानसभा के प्रत्याशी बबुल पटेल के द्वारा विधानसभा में 51 दिवसीय जनजागरण पदयात्रा और सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, जिसका समापन ग्राम दिरवारा में संपन्न हुआ है। इस दौरान बबलू पटेल ने मीडिया के माध्यम से बताया कि इस यात्रा के माध्यम से उनका अपने लोगों से मिलना हुआ, उनकी समस्याओं को जाना, और इस बार राजनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत होगी और सभी का साथ मिलेगा तो सभी लोगों का विकास होगा। और समस्त से देखते हुए आए हैं और सभी जनता जनार्दन का बहुत अच्छा प्यार देखने को मिला और कई गांवों में कमियां भी देखने को मिली, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की और रोडों की बहुत समस्या है, रास्ताएं जो है बहुत ख़राब हैं। आज सांसद विधायक जो हैं वो गांव को यहां तक देखने नहीं आते हैं और सब नेता जो है संसद के भर नेता हैं, गांव ज़मीनी स्थिति देखने के लिए कोई जो है गरीब का सुनने वाला नहीं है। इसके खबर कासगंज से, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक द्वारा तहसील कासगंज में उपस्थित लोगों की जनसमस्याएं सुनकर उनका समाधान और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही राजस्व संबंधी प्रकरणों में राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए भी निर्देशित किया गया। खबर मथुरा से, जहां श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मृदा और परंपराओं के साथ भारतप्रद कृष्ण अष्टमी 7 सितंबर 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा, जिसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा और सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण की 5250वें जन्मोत्सव के अवसर पर जन्मस्थान की तैयारी भव्य रूप से चल रही है। सोमनाथ पुष्प बंगले में विराजेंगे ठाकुर जी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तदनुसार 7 सितंबर 2023 को भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि प्राकृत भूमि में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, अलौकिक बनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण जोर शोर से चल रही हैं। इस वर्ष भगवान का पुष्प बंगला बहुत विशिष्ट होगा, जिसका नाम सोमनाथ पुष्प बंगला रखा गया है। इसरो के महान वैज्ञानिकों ने संपूर्ण राष्ट्रभक्तों को, भारतवासियों को एक खुशी, एक अवसर दिया है, प्रसन्नता का अवसर दिया है। आज चंद्रयान 3 की सफलता से संपूर्ण भारतवासी अभिभूत हैं, चमत्कृत हैं और प्रसन्न हैं। तो इसरो के सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हुए, वंदन नमन करते हुए, उनके लिए अशेष मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हुए खबर मंदसौर से, जहां सुवासरा विधानसभा के शामगढ़ में आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में होने वाली जन दर्शन यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह ने शामगढ़ के कान्हा मांगलिक भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक की और
सुवासरा विधानसभा में आने वाली जन दर्शन यात्रा को सफल बनाने के लिए सबसे सहयोग की अपील की। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में जन दर्शन यात्रा की एक बहुत ही जोरदार स्टार्टिंग हो चुकी है और आने वाले दिनों में शामगढ़ और पूरे हमारे विधानसभा सुवासरा क्षेत्र में जन दर्शन यात्रा हमारे वरिष्ठ लीडर लेके आ रहे हैं। उसके बारे में आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं से सभी वरिष्ठ सबों का मार्गदर्शन लेकर कि ये यात्रा कैसे अच्छी से अच्छी निकाल सकें, आज इस पर चर्चा हुई है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, हमारे कार्यकर्ता लालायित हैं कि हमारे लीडर आएंगे तो उनका हम स्वागत कर सकें। खबर मंदसौर से, जहां पटवारी संघ के आह्वान के बाद अपनी मुख्य मांगों को लेकर सभी पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं पटवारियों की प्रमुख मांग 2800 ग्रेड पर लागू करने है। उसके अलावा आवास भट्टा, यात्रा भट्टा बढ़ाने के लिए भी पटवारी संघ मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं गरौठ में धरना प्रदर्शन के दौरान दो पटवारियों ने सामूहिक रूप से मुंडन कराया और उसके बाद गरौठ में गडौलिया समाज की महिलाओं को सामूहिक रूप से राखी बांध सरकार से मांगे मनवाने हेतु बात रखी। ये हमारी पटवारी संघ की जो मुख्य मांग है 2800 पे ग्रेड, उसके संबंध में शासन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हम सभी पटवारी पूरे मध्य प्रदेश के 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल अवधि में हमने मंदसौर जिले में मंदसौर मुख्यालय पर और उपखंड मुख्यालय गरौठ में दो जगह टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें हम जैसे कल हमने मंदसौर में दो पटवारी साथियों ने सामूहिक मुंडन करवा के और विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसी प्रकार आज हमने रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर आज हमारे जो गाड़ोलिया लोहार समाज की जो महिलाएं हैं गरौठ में, जो गरीब वर्ग से हैं, उन महिलाओं को यहां बुलाकर उनसे राखी बनवाई है और उनको लिफाफा देकर और मिठाई खिलाकर आज ये आज का जो हमने जो हमारा प्रदर्शन है ये किया गया।